हिस्ट्री क्लास 12th, नाम जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एम ए बी एड, डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसिनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। ये जो इंडियन हिस्ट्री का पहला पार्ट है 12th क्लास का, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, इसका तीसरा यूनिट है और यूनिट का नाम है सोशल हिस्ट्री हिस्टोरीज यूजिंग ऑफ भारत। क्वेश्चन है हमारा, सामने दिया हुआ है द महाभारत, व्हाट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द महाभारत। तो महाभारत से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये टेक्स्ट बुक का सातवां क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है डिस्कस द वेदर महाभारत कुड हैव बीन वर्क फॉर ए सिंगल ऑथर। तो क्या ये किसी सिंगल ऑथर की ही किताब है महाभारत। द स्टोरी ऑफ महाभारत, महाभारत इज अ ग्रेट एपिक नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑफ होल वर्ल्ड। इट वॉज क्रिएशन ऑफ ए सेज नेम्ड वेद व्यास जी। तो महाभारत असल में वेद व्यास जी ने लिखी है, इट इज इन संस्कृत में लिखी थी। अर्लियर इट हैड 88 वर्सेज हाइमंस, इसके 8,800 श्लोक वेद व्यास जी ने महाभारत बुक में लिखी थी। एंड इट वॉज कॉल्ड जाया, इसको जाया बोलते थे। लेटर ऑन नंबर ऑफ इट वर्सेज रोज 24,000, और इसके बाद इसके श्लोक 24,000 बढ़ गई। एंड इट वॉज कॉल्ड महाभारत, इसको भारता कहते थे जब इसके 24,000 श्लोक हो गए। एट लीस्ट कंप्राइज ऑफ 1,00,000 वर्स, और इसके बाद इसके 1,00,000 श्लोक बन गए, तब इसको महाभारत का नाम दिया गया। द मेन प्लॉट ऑफ महाभारत रिवॉल्व अराउंड द वॉर बिटवीन कौरव एंड पांडव। तो इसमें इस महाभारत में कौरव और पांडव की लड़ाई के बारे में दिया हुआ है फॉर द थ्रोन। द पांडवाज बिकम विक्ट्रेस, लेकिन बाद में पांडव जो थे वो जीत जाते हैं। द गिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ महाभारत इज ए गिवन अहेड ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम देयर वॉज ए रूल ऑफ विचित्र वीरिया इन हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में विचित्र वीर्य का राज था, नियर दिल्ली के पास था ये एरिया। ही हैड टू सन्स नेमली धृतराष्ट्र एंड पांडव, उसके दो बेटे थे, एक का नाम धृतराष्ट्र था, एक का नाम पांडव था। धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। सो आफ्टर द डेथ था विचित्रवीर, विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है, हिज यंगर सन पांडव सेट ऑन द थ्रोन, और उसका छोटा भाई धृतराष्ट्र राजगद्दी पर बैठता है। ही हैड फाइव सन नेमली युधिष्ठिर, भीमा, अर्जुना, नकुल, पांडव के जो पुत्र थे उसके पांच भाई थे। ही हैड फाइव सन नेमली युधिष्ठिर, भीमा, अर्जुना, नकुल एंड सहदेव, दे वर नोन एज पांडवा ब्रदर्स। हाउएवर पांडव सून सहदेव दे आर नोन एज पांडवा। एट द टाइम ऑल फाइव सन वर माइनर्स, ये उस वक्त छोटे थे जब पांडव की मृत्यु हुई थी। सो धृतराष्ट्र वॉज मेड द किंग, धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। ही हैड 100 सन, उसके लगभग 100 बेटे थे, हु आर नोन एज कौरव ब्रदर्स कौरवाज। आउट ऑफ दी दुर्योधना वॉज द एल्डर सन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, देयर वॉज जेलसी बिटवीन द कौरव एंड पांडव, और कौरव और पांडव के आपस में बनती नहीं थी, आपस में तनाव बहुत था। धृतराष्ट्र वॉज डीपली इम्प्रेस विद वर्चुअस एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ धृतराष्ट्र वॉज डीपली युधिष्ठिर, कंसिक्वेंटली ही डिक्लेयर्ड हिम एज सक्सेस। दुर्योधना युधिष्ठिर कंसिक्वेंटली ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेस दुर्योधना एंड हिज ब्रदर अदर फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड विद हिज डिसीजन ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वॉज डीपली इम्प्रेस विद द वर्चू एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द युधिष्ठिर, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो आगे इसका है, कंसिक्वेंटली ही डिक्लेयर्ड हिम एज हिज सक्सेस दुर्योधना एंड हिज ब्रदर्स फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड विद द डिसीजन। तो वो धृतराष्ट्र के जो बेटे थे वो फ्रस्ट्रेशन में थे कि वो उनको राजगद्दी वो सक्सेस नहीं हो सकता है ऑफ धृतराष्ट्र। सो दे इवॉल्व कंसेपरेसी एंड बनिस्ट ऑल द पांडवा, तो उनको आपस में नहीं बनती थी। ड्यूरिंग दियर एग्जाइल पांडवा ब्रदर रीच पंचाली, और 14 साल के वनवास के बाद वो जब पंचाली में पहुँचते हैं, देयर वॉज द मैरिज ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी की शादी होती, इसके साथ उनकी शादी होती है पांडव की। डॉटर ऑफ द्रौपदा, जो द्रौपदा की बेटी थी, वॉज बींग सोल मैंज नविंग अबाउट इट द पांडवाज ऑल्सो रीच द पैलेस। अर्जुना हु वॉज क्वाइट प्रोफिशेंट इन आर्चरी,
तो तीर कमान में अर्जुन बहुत माहिर था, रिमेंड विक्ट्री ऑफ हिज सेरेमनी। एज ए रिजल्ट द्रौपदी वॉज मैरिड टू अर्जुना। तो वहाँ पर तीर कमान चलाकर उसने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। देन ऑल द पांडवा ब्रदर रीच बिफोर द मदर नेम्ड कुंती एंड टोल्ड हर दैट दे हैड ब्रॉट ए प्रेशियस थिंग। द मदर विदाउट लुकिंग एट एनी थिंग दैट दे कुड इक्वली शेयर इट। तो उन्होंने द्रौपदी अपनी माँ को कहा, कुंती को, कि हम माँ हमने कुछ लाया। तो उसने कहा, बेटू बांट कर खाओ, बांट कर ले लो। तो देन द सेम वॉज डन एंड द्रौपदी बिकम द वाइफ ऑफ ऑल द पांडवाज। तो सभी पांडव की पत्नी बन गई। एज द पांडवाज हैड एस्टेब्लिश मैट्रिमोनियल रिलेशन विद द पंचाल स्टेट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रेंथेंड। नाउ दे डिमांडेड हाफ ऑफ द किंग एज पर द कमिटमेंट मेड बाय द कौरवाज। तो उन्होंने धृतराष्ट्र से आधा राज मांगा। बट कौरवाज दे वर क्लेवर, दे हैंडेड ओवर द बैरन लैंड ऑफ द पांडवाज। उन्होंने बंजर जमीन पांडव के हवाले किया। द पांडव विद देयर हार्ड वर्क, उन्होंने अपने हार्ड वर्क से वो जो बंजर वाला एरिया वहाँ पर भी अच्छे अच्छे महल बनाए। दे ऑल्सो बिल्ट देयर ओन कैपिटल नाउन एज इंद्रप्रस्था, उसका नाम इंद्रप्रस्था रखा। द कौरवाज कुड नॉट टॉलरेट द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पांडवाज, सो दे स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेंस्ट द पांडवाज टू वीकन देम अंडर द पेरेसी। दुर्योधन इनवाइटेड पांडवाज टू ए गेम ऑफ डाइस। तो एक दिन वो दुर्योधना को ये भी अच्छा नहीं लगा उनकी तरक्की, तो उन्होंने एक दिन उनको चाल के साथ गेम खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिरा लॉस ऑल हिज, युधिष्ठिरा जो है वो सारा कुछ हार जाता है। वेल्थ एंड द्रौपदी नाउ द ऑर्डर्स ऑफ, वो द्रौपदी को भी दाव में हार जाता है, अपने भाइयों को भी। ऑल द पांडवा वर वंस अगेन एग्जाइल फॉर 13 ईयर, और वो फिर उनको 13 साल के एग्जाइल में जाना पड़ता। आफ्टर द एग्जाइल 13 ईयर्स में पांडव रिटर्न एंड डिमांडेड द किंगडम फ्रॉम दुर्योधन। जब वो दुर्योधन से फिर मांगते हैं, दे वर डिनाइड एवरीथिंग लॉर्ड कृष्ण दियर किंगडम फ्रॉम दुर्योधन। प्रसवेट द कौरवाज बट इन वेन। तो उन्होंने कोशिश की, तो उस वक्त दुर्योधन आधा राज भी नहीं देना चाहता था 14-13 साल वनवास के बाद भी। एट लास्ट ए वॉर इरेप्टेड बिटवीन द पांडवा एंड द कौरवाज, तो दोनों के साथ लड़ाई होती है, महाभारत होती है। बोथ द कौरवाज एंड द पांडवा रीच द बैटल फील्ड कुरुक्षेत्र अलॉन्ग विद देयर वास्ट आर्मीज। पांडवाज व्हेन द वॉर वॉज बिगन, अर्जुन रिफ्यूज टू यूज वेपन। मैदान जंग में अर्जुन जो था वो अपना हथियार लेने से इनकार करता है। रिवॉल्व इन दिस क्रिटिकल लेबर लॉर्ड कृष्णा एडवाइज अर्जुन टू परफॉर्म ही ड्यूटीज। तो कृष्णा, भगवान कृष्ण उसको परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटी निभाने के। दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा हैड बीन कंपाइल्ड इन श्री भगवद गीता, जो भगवद गीता में एक्सप्लेन किया गया, जो उसने अर्जुन को कहा था। इट हैज 700 वर्सेस, इसमें 700 श्लोक हैं। द वार ऑफ द महाभारत कंटिन्यूड फॉर 18 डेज, 18 दिन तक की लड़ाई लगी थी। इट वॉज हॉरिबल वार, बोथ आर्मी सफर्ड हैवी लॉसेज। इन दिस वार द पांडवाज रिमेंड विक्टोरियस एंड द कौरवाज वैनक्विश्ड। आफ्टर दिस विक्ट्री युधिष्ठिरा वॉज सीटेड ऑन द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर। तो युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बन जाता है। आफ्टर रूलिंग फॉर समथिंग युधिष्ठिरा हैंडेड ओवर द थ्रोन पृक्षता द ग्रैंड सन ऑफ अर्जुना। तो उसने अर्जुना के बेटे पृक्षता को भी राज दे दिया। देयर आफ्टर ऑल द ब्रदर्स लेफ्ट द किंगडम एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स द हिमालय, ऑल डाइड ऑन द वे। तो उन्होंने अपना राय सारा बांट दिया और वो हिमालय में रहने लगी, और आखिरकार इन सब की मृत्यु हो गई। द हिस्टोरियंस ऑफ द महाभारत, महाभारत के जो हिस्टोरियन जो हैं, एनालाइज द नेक्स्ट बुक द टेक अवे द कंसिडर अवे मैनी एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व इन विच लैंग्वेज द टेक्स्ट वॉज रिटन, एग्जामिन दीज टेक्स्ट द रिटन इन प्रकृत पाली एंड तमिल मोस्टली। और इस प्रकृत लैंग्वेज में भी महाभारत को लिखा गया तमिल में भी। मोस्टली लैंग्वेज यूज ऑर्डिनरी पीपल रिटन इन संस्कृत विच वॉज यूज इन द ब्रह्मनौर, लिखा लिखा गया है प्रकृति में भी। थर्ड द हिस्टोरियन ट्राई टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स ऑफ दिस टेक्स्ट, दे ट्राई टू कम्प्रहेंसिव एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ द ऑथर्स हुज आइडियाज गेव कंक्रीट शेप ऑफ द बुक्स। फर्दर द हिस्टोरियंस बाय द ऑथर्स वाइल कंपोजिंग देयर टेक्स्ट। फिफ्थली द हिस्टोरियन ऑल्सो ट्राई टू असर्शन पॉसिबल पीरियड वैन द टेक्स्ट वर कम्पोज कम्पायर्ड आफ्टर टेकिंग द कंसिडरेशन द फैक्ट द हिस्टोरियन ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑन द बेस ऑफ अवेलेबल कंटेंट सब्जेक्ट मैटर। दस इट इज क्वाइट एविडेंट वट हार्डशिप ऑफ द हिस्टोरियन माइट है फेस्ड इन द कंपाइलेशन ऑफ द कम्प्लेक्स टेक्स्ट एट दैट ऑफ द महाभारत। इसके बाद लैंग्वेज एंड कंटेंट द वर्जन ऑफ द महाभारत एज वी हैव कंसिडर संस्कृत, तो संस्कृत में ही महाभारत लिखी गई थी। अंडाउट इडली द संस्कृत यूज इन द महाभारत एज मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन दैट ऑफ द वेदास। इट अप्रूव दैट द महाभारत वॉज वाइडली रीड एंड अंडरस्टूड।
Mahabharata has also a version in different languages. Historians classify the context of the Mahabharata broadly under the two heads, narrative and didactic. The narrative section describes the stories, but the didactic section describes social norms and values. The most didactic part of the Mahabharata in the Bhagavad Gita, wherein Lord Krishna had given the gospel to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. However, such version of the Mahabharata is not watertight. There is also stories in the didactic section. Similarly, the narration parts also contain social messages. Most of this that in the reality of the Mahabharata and dramatic plots, the realistic portion was added to it in later. Authors and dates. It is question debated among the historians whether the Mahabharata was written by a single author. कि सिंगल ऑथर ने तो लिखी है और मैनी ऑथर्स मैनी हिस्टोरियन स्टेटेड कंपोज बाय थे वेद व्यास. वेद व्यास ने असल में पूरे महाभारत उसी ने लिखी है. इट हैड डेडिकेटेड द टेक्स्ट टू लॉर्ड गणेशा जी, बट मैनी हिस्टोरियन डिड नॉट एग्री विद दिस व्यू. अकॉर्डिंग टू देम महाभारत वॉज कंपोज ओवर ए पीरियड ऑफ व्यू अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ईयर्स बिटवीन 500 BC टू 500 CE. इट इज़ इम्पॉसिबल दैट एनी वन ऑथर कुड हैव कंपोज अवर सच ए लॉन्ग पीरियड. अकॉर्डिंग टू सच हिस्टोरियन द महाभारत वॉज नॉट रिटन एट एनी सिंगल ऑथर. दिस हैज द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स इन दिस. इसमें कुछ आर्गूमेंट्स अपने अलग अलग हैं, तो यहीं पर हम इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो असल में ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक है. इसमें अलग 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 जो मैंने आपको बताया इसमें दिया हुआ है ऑथर्स एंड डेट्स के बारे में, लैंग्वेज के बारे में और ये महाभारत की स्टोरी. तो यहीं पर हम अपना ये क्वेश्चन रखते हैं. नमस्कार.